नमस्कार, आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम बराय। दोस्तों, आइए एक कहानी सुनाते हैं। एक समुद्र के किनारे एक छोटी सी चिड़िया गौरैया घोंसला बनाई थी। उसमें उसके दो अंडे थे। चिड़िया दिन में कहीं जाना चुन गई, जब शाम को वापस आई तो पता चला उसके अंडे नहीं हैं। उसने समुद्र से पूछा कि समुद्र, हमारे अंडे कहाँ गए? समुद्र ने इटलाते हुए कहा, मुझे क्या मालूम तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, खोजना है तो खोज लो। गौरैया को पता चल गया कि समुद्र ने उसके अंडे को छुपा के रख लिया है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि समुद्र को सुखा के रहेगी। वह चोंच में पानी भरती और किनारे पर ला करके पानी को छोड़ती। दिन भर उसने समुद्र से पानी चोंच में लिया और किनारे पर ला के रखा। जब शाम हुआ तो बहुत सारी चिड़िया जो गौरैया को न पा करके उसके पास पहुँची और गौरैया से हालचाल ली। गौरैया ने बात बताई तो सभी चिड़ियों ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, यह कार्य असंभव है, तुम अपनी हार मान लो। गौरैया बिल्कुल दृढ़ निश्चय बना ली थी कि समुद्र को सुखा के ही रखेंगे। वह ऐसा करती रही लगातार 4-5 दिन तक की उसका शरीर दुबला हो गया। फिर सारे चिड़िया गरुड़ देव के पास गए, जो पक्षियों के राजा हैं। उनसे विनम्रता के साथ कही कि गौरैया मर जाएगी, क्योंकि जो कार्य असंभव है उसको वह ठान बैठी है। गरुड़ देवता उस गौरैया के पास आए और गौरैया से कहा कि कहो तो हम तुम्हारी कुछ सेवा कर दें, क्योंकि हमारा चोंच तुमसे बड़ा है। गौरैया ने कहा, मेरा कार्य किसी और को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगी। उसके इस दृढ़ निश्चय को देख करके गरुड़ देवता विष्णु भगवान के पास गए और विनम्रता से प्रार्थना की कि गौरैया मर जाएगी, दृढ़ निश्चय कर ली समुद्र सुखाने के लिए, आप समुद्र देवता से कुछ कहें जिससे गौरैया के अंडे मिल जाएं। विष्णु भगवान ने समुद्र से कहा कि कुछ पीछे हट जाइए और उसके अंडे दे दीजिए। अब गौरैया समुद्र के कुछ पीछे हट जाने से उसके अंडे मिल गए और उसके दृढ़ निश्चय का परिणाम मिल गया। दोस्तों, कोई कार्य ठान लें, दृढ़ निश्चय कर लें तो सफलता अवश्य मिलती है। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।